सामाजिक संस्था का सलाहकार और इस वक्त हम यहाँ मलाड़ मालवनी गेट नंबर 8 पे खड़े हैं, जहाँ पे राइजिंग स्टार फाउंडेशन के रोहित भाई मेरे साथ में हैं और उन्होंने आज हमारे देश भर में जो चीज़ें चल रही है, बलात्कार, रेप, आज निर्भया को ले लो या आसिफा को ले लो, ये कोई हिंदू नहीं है या मुसलमान नहीं है, क्रिश्चन या ईसाई नहीं है, अरे यार ये बच्ची है, इस बात को समझिए कि ये किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आसिफा का या निर्भया का टॉपिक जो है किसी भी गंदी राजनीति का शिकार मत करिए, उसे किसी गंदी राजनीति से मत जोड़िए। और आसिफा निर्भया के लिए हम पहले भी आवाज़ उठाए थे और आने वाले ऐसे जितने भी बलात्कार होंगे हमारे देश में, हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक ऐसे बलात्कारी जेल के कोनों में नहीं जाते, इन्हें सज़ा नहीं मिलती। और राइजिंग स्टार फाउंडेशन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, बलात्कार के जो कसूरवार हैं, उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि बलात्कार करने से पहले कोई भी ये 100 बार सोचे कि उसकी सज़ा कितनी बड़ी है। आज हमारे देश भर में जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, ये सारे टॉपिक्स अलग हैं। प्लीज़ पॉलिटिकल पार्टी के हर राजनेता से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करता हूँ कि वो प्लीज़ आसिफा या निर्भया को हिंदू या मुसलमान में काउंटिंग में ना ले। इस टॉपिक को, इस मसले को राजनीति से बहुत बहुत और बहुत दूर रखिए। ये बच्ची है, ये हमारे हिंदुस्तान की बच्चियां हैं जिनके साथ ये गलत काम हो रहा है, और अगर गलत काम करने वाले को आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आप भी उतने ही कसूरवार हो जितना कि एक बलात्कारी कसूरवार है। आसिफा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, आसिफा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।